यार ये मम्मी को ना मेरे हाथ की तेल मालिश का ना नशा सा होता जा रहा है यार। मुझे देख के लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? बॉयफ्रेंड से चैटिंग दिखाना दिखाना मधु नहीं दिखा मधु बिहेव योरसेल्फ। हाँ मिसबिहेव तो मैं करती हूँ ना, जो तू करती है वो क्या है? हाँ ये जानने की ना तो तुझे फुर्सत है और ना ही समझ। ओके मैडम समझदार, आप ना अपनी समझदारी अपने पास रखो, मुझे सुनो। मधु 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 सुनना। क्या है? वो मुझे लग रहा है पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या करूं, डॉक्टर हूं मैं या फिर पापा कोई बच्चे हैं कि उन्हें हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। सो जा, मुझे भी सोने दे। गुड नाइट। गुड नाइट। ये मेडिसिंस डॉक्टर अंकल आपने ही पापा को प्रिस्क्राइब की थी ना? हाँ ये मैंने ही प्रिस्क्राइब की थी। लेकिन ये मेडिसिंस तो लिवर कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती है ना? हाँ सुधा, लेकिन डॉक्टर अंकल क्या हुआ है पापा को? डोंट वरी सुधा, ही इज फाइन। अंकल मैं बच्ची नहीं हूँ, आप बताइए क्या हुआ है पापा को? अंकल फॉर गॉड सेक बताइए क्या हुआ है पापा को? सुधा अंकल आई प्रॉमिस मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं पापा को नहीं बताऊंगी कि हम मिले। प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ है पापा को? सुधा तुम्हारे पापा को हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा है, ये कैंसर की लास्ट स्टेज होती है। समझ लो उनके पास वक्त बहुत कम है। सुधा संभालो अपने आप को। पापा जानते हैं? हाँ वो जानते हैं। कुछ हो गया तो ये लोग कैसे जिएंगे जिनको मेरे साये में जीने की आदत पड़ गई है। हर पिता की एक ख्वाहिश होती है। आ जाओ, come on, come on पापा। बेटा मैं तुम्हें इतना भी बड़ा नहीं करना चाहता कि मेरे कंधे का बोझ तुम्हारे कंधे पे आ जाए। जिंदगी में कई सवाल ऐसे सामने खड़े हो जाते हैं जिसका हमें तुरंत जवाब देना होता है। ये कैंसर की लास्ट स्टेज होती है, समझ लो उनके पास वक्त बहुत कम है। थैंक यू सुरेंद्र जी। धन्यवाद। ये आपका प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स। अरे हाँ, 232,000। हाँ सारे डिडक्शंस करने के बाद है ना? अरे सुरेंद्र जी 20 साल नौकरी की है मैंने, इतना ही पैसा? रिलैक्स त्रिपाठी जी, अरे प्रोविडेंट फंड तो इतना ही होता है। और फिर आप तो खुद अकाउंट्स ऑफिसर हो। मेरे
जाने के बाद कैसे इतने से पैसे से गुजारा करेंगे सब? छोड़ के जा रहे हो? हाँ? मुझे लगता है आपने चुपके चुपके कहीं अप्लाई किया है और वहां से कॉल भी आ गई है। क्यों, सही है ना? बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स है, आप इसे प्लीज क्लियर कर दीजिए। सुरेंद्र जी आइए अंदर। जी सर। सुरेंद्र जी, त्रिपाठी जी को समझाइए ना, कह रहे हैं इनका जितना बकाया निकल रहा है सब उनको दे दे, और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं बता रहे हैं। सर मुझे लगता है इन्हें कहीं और नौकरी मिल गई है, और शायद हमसे बेहतर। त्रिपाठी जी, ये सच है? बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। त्रिपाठी जी, सुरेंद्र जी और आप मेरे लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है बल्कि मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। इंक्रीमेंट्स चाहिए इनका, 10% इंक्रीमेंट्स? अरे नहीं सर। कोई बात नहीं, 20% कर लीजिए। सर मुझे बस सर मतलब जो कुछ मेरा बनता है उतना ही दे दीजिए बस। त्रिपाठी जी, ऐसी कौन सी कंपनी है जो हमसे भी ज्यादा इज्जत आपको दे रही है? देखिए मेरे हिसाब से आप ये जो भी फैसला ले रहे हैं ना वो बहुत जल्दबाजी में ले रहे हैं। आपको थोड़ा वक्त चाहिए, 4-5 दिन की छुट्टी ले लीजिए। आप कोई बात नहीं सर, इतना भी वक्त नहीं है सोचने के लिए। रिलैक्स, तुम मेरे घर पर हो। आई एम विनीता। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली आप मेरी कार के सामने अचानक आ गई थी। कार के सामने? मैं डरिए मत, आप डर से मेरी कार के सामने गिर गए थे। और इस बेचारे ने मुझे कॉल किया और मैंने इसे कहा कि तुम्हें यहाँ घर ले आए। वैसे अभी डॉक्टर्स आए थे, चेक करके गए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जी थैंक यू, मुझे अभी निकलना चाहिए। रुको, चली जाना, पहले थोड़ी सी कॉफी पी लो, यू विल फील मच बेटर।